तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। मुझे पता है कि मेरी आवाज से लेकर आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। मगर यकीबा ने बेफिरत है जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जमीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। मुनाफिकों से जो मैंने पूछा कि क्यों नहीं जिक्र मौला करते, मेरे लिए वो सब इंसान यहाँ पर मुनाफिक हैं जो कि मौला अली का जिक्र में भी मजाक कर रहे हैं। जब मुनाफिकों से जो मैंने पूछा कि क्यों नहीं जिक्र मौला करते, तो बोले अपनी जुबान को छाले अजल के दिन से पड़े हुए हैं। मगर यकीबा ने बेफिरत है जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और आप सब मवालिया ने हैदर करार की नज़र एक बहुत खूबसूरत शेर कर रहा हूँ कि जनाब जब जनाब मौला सरकार अली बादशाह की आमद हुई तो आपको इस चीज़ का अगर पता हो कि मौला अली सरकार बादशाह की विलादत जो है वो काबा के अंदर हुई है और जनाब ईसा की जो विलादत है वो काबा से बाहर हुई है, तो उस पे शेर लिखता है शायर के मसीह की माँ हरम के बाहर अली की माँ हरम के अंदर फरिश्ते इज़हार तैनियत को सफ़ेद बनाए खड़े हुए हैं। मगर यकीबा ने बेफिरत है जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और आखिरी शेर आप सबकी समाप्त कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं खुदा से मांगो हमें यकीन है अली ही देंगे, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, हम अपनी जिद पर डटे हुए हैं। मगर यकीबा ने बेखिरत है जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।